हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आपके। आपका सभी का स्वागत है अनुमिस किचन में। आज मैंने आपके साथ मशरूम दो प्याजा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने दो पैकेट मशरूम के लिए है उसको मैंने अच्छे से पानी और सिरके के मिक्स मिश्रण के साथ कर लिया है वॉश। फिर आप उसे जैसे चाहे वैसे कट कर लें। और फिर हमने एक पैन लिया है, उसको अच्छे से कर लिया है गर्म। फिर हम उसमें करेंगे कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट। जब कसूरी मेथी अच्छे से भुन जाएगी तो हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आसानी से बनने वाली रेसिपीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम वही सेम पैन में ले लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल का। फिर हम मोटे मोटे कटे हुए 2 प्याजों को कर लेंगे फ्राई। हमने प्याजों का कलर चेंज नहीं होने देना, हमने प्याजों का सिर्फ कच्चापन दूर करने के लिए प्याज फ्राई करनी है। फिर हम उसको ऑयल को ड्रेन करके निकाल लेंगे प्याज किसी प्लेट के ऊपर। फिर हम वही सेम ऑयल में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा और कुटा हुआ धनिया। फिर उसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। जब प्याज अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप जिंजर और गार्लिक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे चैनल के ऊपर बाकी की रेसिपी भी ज़रूर चेक करिएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले, जिसके लिए हमने डाला है 1 छोटा चम्मच हल्दी का, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का, नमक स्वाद के अनुसार और गरम मसाला 1/2 चम्मच। मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे 3 टमाटरों का प्योरे बना के। तड़के को तब तक कुक करेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। इसको हम अच्छे से मिक्स करके कवर करके कर लेंगे कुक। और आप मेरे चैनल के ऊपर बाकी की आसानी से बनने वाली, बहुत ही कम मसालों में बनने वाली रेसिपीज भी ज़रूर चेक करिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सा तड़का हो चुका है हमारा रेडी। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही का। फिर हम इसको 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मशरूम दो प्याज़ा घर पे बन जाता है आसानी से कम मसालों में। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। और मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले, जिसका हैंडल अनुमित किचन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर तड़का हमारा हो चुका है रेडी। अभी हम इसमें डाल देंगे जो मशरूम हमने अच्छे से धो के काट के रखे हुए थे ना वो। मशरूम को अच्छे से तड़के में मिक्स करके फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी इसकी थिकनेस एडजस्ट करने के लिए, कि हमें कितना गाढ़ा या पतला चाहिए। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। फिर हम इसमें डाल देंगे जो कसूरी मेथी हमने रोस्ट करके रखी हुई थी, इसके साथ फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो फिर हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको कर लेंगे कुक। यहाँ पे मैंने अदरक के बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस काट के इसमें डाले हैं। इस बहुत ही बढ़िया लगता है जब अदरक मुंह में आता है ना। अगर आप चाहें तो आप बारीक भी काट के डाल सकते हैं। फिर हम जो हमने प्याज फ्राई करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे इसमें। और इन सभी चीज़ों को कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए और कुक। फिर ये लीजिए हमारा मशरूम दो प्याज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल बनके हो चुका है रेडी। आप खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और बाकी की रेसिपीज भी ज़रूर चेक करें। इसको धनिया के साथ सर्व करके एंजॉय करें। हैव अ गुड डे। बाय।